हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। श्री कान्हा जी क्रिएशंस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज ये देखिए, हम कान्हा जी के लिए ये बहुत ही प्यारी न्यू स्टाइल की जो है पगड़ी बनाएंगे। ये देखिए, बहुत ही प्यारी पगड़ी है फ्रेंड्स ये, और बहुत ही सुंदर लगेगी जो आपके ठाकुर जी पहनेंगे। तो ये पगड़ी जो है वो हम इस ड्रेस के साथ बना रहे हैं फ्रेंड्स। ये मैंने आपको अभी अपनी पिछली वीडियो में जो है वो बनानी बताई है, तो इसके साथ की देखिए ये मैचिंग पगड़ी है। और आपके कान्हा जी जब पहनेंगे तो बहुत ही सुंदर लगेंगे इस पगड़ी को, बिल्कुल न्यू स्टाइल की। देखिए इसमें जो हमने साइड में ये भी थोड़ा, जब कान्हा जी पहनेंगे तो यहाँ से बहुत ही सुंदर लुक देगी ये पगड़ी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और फ्रेंड्स, आपको जैसे कि ये स्टोन चेन है, ये बीड्स हैं, ये फ्लावर्स हैं, और इसके ऊपर जो हमने सिल्वर स्टोन लगाए हैं, ये अगर ये आपको परचेज करने हैं तो आप मेरे वीडियो वो देख सकते हैं। मेरे चैनल पर मैंने वीडियो डाली हुई है विद प्राइस की, आपको किस हिसाब से ये मिलेंगे। अगर आपको परचेज करने हैं तो आप वो वीडियो पर उनको देख सकते हैं, और आप उस पर लिंक पर क्लिक करके मुझसे ये परचेज कर सकते हैं। मैंने व्हाट्सअप लिंक दिया हुआ है और आप वहाँ पर मेरे को मैसेज कर सकते हैं। और आप, मैंने वहाँ पर बहुत ही प्यारी प्यारी लेसेस भी डाली हैं, तो आप उसको भी देख सकते हैं। बहुत ही रीजनेबल मैंने बिल्कुल होलसेल रेट पर डाली, और आपको कट करके भी लेसेस वगैरह मिल जाएंगी। तो अगर आपको चाहिए तो आप व्हाट्सअप लिंक पर क्लिक कीजिएगा और मुझे स्क्रीनशॉट लेकर वीडियो में से आप मुझे सेंड कर सकते हैं, और आपको बहुत रीजनेबल रेट में मैं ये अवेलेबल कराऊंगी। तो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ ज़रूर ऑर्डर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये पगड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम बेस बना लेंगे, और बेस फ्रेंड्स मैंने अपनी कई वीडियोज़ में बनाना बता रखा है, तो इसका लिंक जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। वैसे मैं आपको रफली बता देती हूँ, कुछ नहीं करना है हमें, एक ऐसा कोई भी, ये देखिए हमारे सबके घरों में मिल जाते हैं ऐसे किसी भी, एक गत्ते का जो डब्बा होता है इसमें से मैंने कट करा है। एक इंच की चौड़ी पट्टी कट करी फ्रेंड्स, यहाँ से ये एक इंच चौड़ी है, और लेंथ में मैंने जो ली थी ये 5 इंच ली थी फ्रेंड्स। ये चारों 5 नंबर के कान्हा जी के लिए है। तो उसको क्या करना है हमें, उसके ऊपर हमने ये कपड़ा, ये देखिए बेस के लिए कपड़ा हमने फैब्रिक ग्लू से इसके ऊपर पेस्ट कर दिया, और फिर इसको फोल्ड करके ऐसे कटिंग कर ली, और पीछे से भी, और फिर इसको यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया है, और ऊपर भी ये कपड़ा हमने पेस्ट कर दिया है। ये हमने ग्लू गन से पेस्ट किया, आप चाहें तो फैब्रिक ग्लू से भी पेस्ट कर सकते हैं, आप इसको स्टिच भी कर सकते हैं यहाँ से। तो ये देखिए, ये हमारा बेस जो है वो बनकर रेडी हो जाएगा। और उसके बाद ये देखिए, हम दो शेड में बनाएंगे। तो हमने क्या किया है, ये देखिए मैंने नेट ले ली है, तो नेट जो है पिंक और मेरे को ब्लू कलर में बनानी है। तो इसको आपको क्या करना है, 2 इंच चौड़ी पट्टी करनी है, और लेंथ जो है वो अपने कपड़े के आर्च की पट्टी लंबी लेंथ ले लेनी है हमें। और इसको ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, पहले हमने इसको इस तरीके से डबल फोल्ड किया, फिर ऐसे, फिर ऐसे, तो ऐसे हमने एक पट्टी जो है इसकी रेडी कर ली है दोनों की, इसी तरीके से सेम प्रोसेस से हमने कर ली है। और हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, पहले हाफ में हम लगाएंगे पिंक, हाफ में लगाएंगे ब्लू। तो ये आपके ऊपर है कि आप कौन सा पहले लगाते हैं। तो हम क्या करेंगे, देखिए जो बैक साइड है ये रही, यहाँ पर हम लगाएंगे हॉट ग्लू इस तरीके से, यहाँ पर लगाकर, और इसको ये देखिए ऊपर से भी, ताकि ये कवर आ जाए, एकदम बाजार जैसे लुक आए। और इसको हम इस तरीके से फ्रंट पे, ये देखिए यहाँ पर हम ग्लू लगा लेंगे इधर से, और यहाँ पर इस तरीके से, और इसको हम ऐसे पेस्ट करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने थोड़ा सा लगाया, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पर हमने सबसे पहले, जैसे मैंने बताया था, बैक साइड में ग्लू लगाई, और यहाँ से देखिए इस तरीके से यूं तिकोने फ्रंट से, ये देखिए बिल्कुल कॉर्नर से लगाते हुए, और ये बैक साइड पे ग्लू लगाते हुए, और फिर हमने यहाँ ग्लू लगाई। और हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब इधर, और अब देखिए ये वाली जो लेयर, जो हमारी फर्स्ट लेयर आई थी, अब यहाँ से हम इसके हाफ कवर करते हुए, ताकि ऊपर लेयर्स नजर आए, यहाँ से इस तरीके से हाफ कवर करते हुए, ये देखिए इस तरीके से हम हाफ पे ग्लू लगाएंगे, और इसको हम इस तरीके से पेस्ट करेंगे। तो ये हमारी, ये देखिए ऐसे लेयर्स जो हैं वो नजर आएंगी, और ऐसे इधर से, और ये देखिए फिर हम यहाँ बैक साइड तक, यहाँ तक ग्लू लगा देंगे, और उसके बाद फिर हम इसको ऊपर से इस तरीके से लेंगे। ये देखिए यहाँ पर ग्लू लगाएंगे फिर हम, और फिर वही हमें सेम प्रोसेस करते जाना है। जब आप ग्लू लगा देंगे तो अच्छे से सेट हो जाएगा, और इसके ऊपर फिर से हम इस तरीके से हाफ पे लेंगे, और फिर हम यहाँ तक इसको पेस्ट कर देंगे, और फिर हम इसको ऐसे ऊपर से लेते हुए लेयर्स लगाते जाएंगे, जब तक कि हमारा ये ऊपर तक हाफ कवर ना हो जाए। तो चलिए पहले हम हाफ कवर कर लेते हैं, फिर आपको मैं दिखाती हूँ।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सेम प्रोसेस से देखिए ऐसे फोल्ड कर करके ये चिपका लिया और लास्ट में यहाँ ला के मैंने पेस्ट करके कट कर दिया पीछे की साइड। ये देखिए तो हाफ पगड़ी जो है हमारी, ये देखिए इस तरीके से मेरी 4 लेयर्स आई हैं। तो अगर आप बड़े कान्हा जी की बनाएंगे तो फ्रेंड्स इसमें ज़्यादा लेयर्स आएंगी, और अगर छोटे कान्हा जी की बनाते हैं इससे भी तो थोड़ी कम लेयर आएंगी, क्योंकि फिर उसकी पगड़ी की हाइट जो है वो कम हो जाती है। अब हमें क्या करना है, हमें लगाना है अपना ये ब्लू। तो उसके लिए हमें क्या करना है, देखिए पहले हमने ऊपर से स्टार्ट किया था, तो अब हमें नीचे से करना है। यहाँ पर हम लगाएंगे ग्लू बैक साइड में, यहाँ पर ये देखिए नीचे, और यहाँ पर हम इसको लगाएंगे, और इसको ये देखिए हम यहाँ ऊपर से, पहले हमने यहाँ नीचे से लगाया था, अब लड़की लेकर जाएंगे हम ऊपर से ग्लू लगाते लगाते। ये देखिए यहाँ पर हम ग्लू लगा लेंगे जिससे हमारा ये भी कवर हो जाए इस तरीके से, और ये देखिए इधर से इस तरीके से हम लेके आएंगे, फिर यहाँ तक ग्लू लगाएंगे हम। ये देखिए इस तरीके से हम लेकर आएंगे, इसके ऊपर ग्लू लगाते हुए ऐसे, और फिर यहाँ पर ग्लू लगाएंगे, और फिर बैक साइड में ये देखिए नीचे से ही हमें लेकर आना है, और ऐसे जैसे मैंने बताया था हाफ कवर करते हुए, और इसको इस तरीके से ये देखिए फिर बैक साइड में जाएंगे। आपको दिख रहा होगा बस जैसे मैं आपको बता रही हूँ सेम वैसे ही करना है, लेकिन हमें साथ ही साथ ग्लू लगाते जाना है इसके अंदर। और अब ये देखिए थर्ड लेयर इस तरीके से, और इसको अब हम इस तरीके से देखिए हमारी ऊपर से भी पूरी पगड़ी कवर होती जा रही है, फिर इस तरीके से ग्लू लगाएंगे, और ये देखिए फिर यहाँ नीचे से इसको अच्छे से कवर करते हुए, और इसको पगड़ी की शेप देते हुए इस तरीके से जब आप पेस्ट करेंगे तो अच्छे से शेप आ जाएगी, और इसको ये बैक साइड में इस तरीके से लाकर यहाँ पर पेस्ट करके हम कट कर देंगे, तो हमारी पूरी पगड़ी अच्छे से बन जाएगी। तो चलिए मैं आपको पेस्ट करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने बना ली है अपनी पगड़ी, देखिए कितनी प्यारी लग रही है, और ये आपको यहाँ पे थोड़ा सा वाइट लग रहा होगा फ्रेंड्स, तो ये ग्लू यहाँ पर लगी है, लेकिन हम यहाँ पे जब हम डेकोरेशन कर देंगे तो ये नज़र नहीं आएगा। तो ये देखिए थोड़ी सी चिपकाते वक्त मुझसे गलती हो गई थी, तो इस वजह से हो गया ये। और हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, ये देखिए हमें, मैंने ये लिया है फ्रेंड्स ग्रीन, क्योंकि मेरी ड्रेस में ग्रीन कलर के मैंने फ्लावर्स लगाए हैं इसलिए, और पिंक कलर मैंने लिया है। इन दोनों का कोई भी आप कॉम्बिनेशन का ले सकते हैं, तो ग्रीन आप ग्रीन के साथ ब्लू भी लगा सकते हैं, कोई भी जो भी आपको कॉम्बिनेशन लेना हो। तो ये 2-2 इंच की मैंने पट्टियाँ ली, और इसको यहाँ से देखिए गांठ लगा दिया पहले, और फिर इसको चोटी की तरह मैंने गुथ दिया। तो ये देखिए अब ये थोड़ा सा यहाँ से लंबा है, तो हम इसको हल्का सा ऐसे कट कर देंगे, और इन दोनों को थोड़ा सा हम इस तरीके से अलग अलग कर देंगे ऐसे, ताकि ये ऐसे लगे कि जैसे यहाँ पे बंधेज की बंधा हुआ है। तो अब हमें क्या करना है, ये देखिए इधर अपनी पगड़ी के इधर की साइड जो ब्लू साइड है, इधर हम इसको ऐसे यहाँ पर पेस्ट करेंगे, तो ये ऐसे आएगा जैसे कि ये यहाँ पर लटकन लगी हुई है ऐसे, और इसको हम यहाँ पर ऊपर बिल्कुल ये देखिए इधर ऐसे पेस्ट करेंगे, और इधर ऐसे पेस्ट करके इसको हम यहाँ से ये देखिए इधर ऊपर से जो मिडल से भी इधर से लाते हुए, और हम इधर भी इसको थोड़ा सा और गुथ लेंगे अगर कम हो तो, और यहाँ तक फिर हम सिर्फ ऐसे ही जैसे यहाँ हमने गांठ लगाई थी सेम इसी तरीके से इधर भी गांठ लगा के थोड़ा सा हम छोड़ देंगे, ऐसे हम इसको पेस्ट कर लेंगे। तो चलिए करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये यहाँ पर इस तरीके से देखिए बैक में ले जाके इधर लाकर और इधर इसको पेस्ट करके यहाँ पर भी हमने गांठ लगा दी, और देखिए यहाँ से भी हमें इस तरीके से ही छोड़ना है हल्का सा कट करके। ये देखिए तो ये ऐसे लगेगा यहाँ से, बहुत मतलब जब आप इसको कान्हा जी को पहनाएंगे तो बहुत अच्छी लुक आएगी। और इधर देखिए मैंने ग्लू गन से, सॉरी मैंने फैब्रिक ग्लू से यहाँ पर स्टोन चेन लगा ली है, अगर आप चाहें तो लगा सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पर कोई पतली लेस भी लगा सकते हैं, वो भी बहुत प्यारी लगेगी। और हमें क्या करना है फ्रेंड्स, ये देखिए ये ऐसे पोलन्स लेने हैं, गोल्डन पोलन्स है मेरे पास, तो इसको एक यहाँ पर देखिए चिपकाए थे जो हमने, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस छोड़ दिया था मिडल में, यहाँ से हमने चिपकाया नहीं था, तो इसके अंदर से हम ये देखिए इस तरीके से पोलन इस तरीके यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे इसको यहाँ पर, और एक पोलन लगाएंगे हम इधर इस तरीके से यहाँ पर, और एक पोलन हम लगाएंगे इधर ऐसे, तो ये हमारे यहाँ पर पोलन्स आ जाएंगे। और ये देखिए यहाँ पर जो है मैं लगाऊंगी एक ये इधर इसको कवर करने के लिए फ्लावर, और ये देखिए
एक फ्लावर हम यहाँ पर लगा देंगे। तो हम इसको ऐसे डेकोरेट कर लेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पर एक लगाऊंगी मैं स्टोन, तो ऐसे सारा हम पेस्ट करके इसको डेकोरेट कर लेंगे। आप कैसे भी डेकोरेट कर सकते हैं, जो भी मटेरियल आपके पास हो। तो चलिए पहले मैं डेकोरेट करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी पगड़ी बनकर रेडी हो गई है। देखिए बिल्कुल न्यू स्टाइल की और बहुत ही ब्यूटीफुल पगड़ी बनकर तैयार हुई है फ्रेंड्स। ये देखिए यहाँ मैंने फ्लावर्स लगा दिया और ये देखिए इसके दोनों कॉर्नर पर हमने स्टोन लगा दिया और एक स्टोन हमने यहाँ लगाया और इधर फ्लावर्स और ये पोलन्स लगा दिए हैं। देखिए बहुत ही प्यारी पगड़ी जो है वो रेडी हुई है फ्रेंड्स। और ये आप किसी भी ड्रेस के साथ बना सकते हैं। और ये देखिए मैंने इस ड्रेस के साथ बनाई है और इसके साथ ये देखिए मैचिंग पगड़ी। ये आपके कान्हाजी इस पगड़ी और ड्रेस को पहनेंगे तो बहुत ही सुंदर लगेंगे फ्रेंड्स, एकदम न्यू स्टाइल के। जब आप कान्हाजी को पगड़ी पहनाएंगे तो ये साइड में जो हमने छोड़ा है ये कान्हाजी के दोनों साइड आएगा तो बहुत ही प्यारा लगेगा फ्रेंड्स ये। तो देखिए बहुत ही सुंदर पगड़ी है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।